जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा क्या है, किस कारण से माँ अम्बे को 9 रूप धारण करने पड़े, तो मैं आपको 9 रूपों की कथा सुनाने वाली हूँ, जो इस प्रकार है। प्रथम महारूप महाकाली का है, जिनकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी और चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला, उस मैल से मधु और कैठव नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैठव ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान विष्णु की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैठव उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं कि यह युद्ध 5,000 वर्ष तक चला। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर उन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। माँ दुर्गा के दूसरे रूप का नाम महालक्ष्मी है, जिनकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों को दूर किया था। माँ दुर्गा के तीसरे रूप चामुंडा जी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर लें। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूमाक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। धूमाक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। माता के चौथे रूप योग माया की कथा। जब कंस के वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़कर आए और बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा
तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, शंखचूर्ण आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। पांचवे रूप रक्त दंती का। एक बार विप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासी और देवलोक में देवताओं का जीवन दुर्भर कर दिया था। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्त दंती का नाम से अवतार लिया। देवी ने विप्रचिति आदि असुरों का रक्तपात करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इसका नाम रक्त दंती का पड़ा। देवी के छठवें रूप साकुंभरी। एक समय की बात है, पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर साकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं वनस्पतियों को जीवन दान मिला। देवी के सातवें रूप श्री दुर्गा देवी की कथा। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वाले तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मानने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम